श्री राम भाई लोग, आज है क्रिसमस का दिन और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। और आज हम आपको दिखलाने वाले हैं प्रयागराज के 3 टॉप चर्च जहां पे क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पहला जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध चर्च है, जिसका नाम है पत्थर गिरजाघर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और दोस्तों, आज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म। और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश के लिए शहादत दे देता है अपना 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच, जिसमे उनके चारों साहबजादे अपना बलिदान देते देश के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और साथ ही साथ करवर्धन को रोकने के लिए। दोस्तों, अभी अपने सामने आप चर्च देख रहे हैं, इसका नाम है पत्थर गिरजाघर, जो कि प्रयागराज में सिविल लाइंस में है। अगर इसकी बात करी है बना कब, तो 1887 में चर्च बनना स्टार्ट हुआ था और 4 साल में ये बनके तैयार हो गया था। मतलब 1891 में ये चर्च बनके पूरी तरह तैयार हो गया था। और यहीं से एक फेमस डायलॉग दिया गया था, जिसमें बोला गया था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और 25 दिसंबर के दिन यहीं पे इस चर्च की सब यहीं पे आएंगे और ज्यादातर लोग आके यहाँ पे कैंडल जलाएंगे। और जिन अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, जिनकी ये निशानी है, और उन्हीं का हम गुणगान करेंगे। भाई मैं तो नहीं जाने वाला। दोस्तों, इस चर्च की लोकेशन की बात की जाए तो प्रयागराज शहर में सिविल लाइंस के महात्मा गांधी मार्ग और सरोजनी नायडू मार्ग के क्रॉसिंग पर स्थापित है। पत्थर गिरजाघर अपनी बेहतरीन बनावट के चलते एशिया के सबसे बेहतरीन एंग्लिकन कैथेड्रल में से एक माना जाता है। इसको 19वीं शताब्दी के वास्तुकला को गौथिक शैली में बनाया गया है। इस ऐतिहासिक गिरजाघर की डिजाइन वर्ष 1871 में विख्यात ब्रिटिश वास्तुकलाकार सर विलियम एमर्सन ने दिया था। मैं विलियम को सरों नहीं मानता, विलियम एमर्सन ने तैयार किया था, जिन्हें विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता और म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद अब प्रयागराज की डिजाइन बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। 1887 में यह चर्च बनना स्टार्ट हुआ था और 4 साल में यह बनकर तैयार हो गया था। मतलब 1891 में चर्च के निर्माण में क्रीम और लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रयागराज के सबसे पुराने चर्च में, जिसका नाम है लाल गिरजाघर, और चल के अब आपको दर्शन कराते हैं प्रयागराज के सबसे पुराने चर्च का। और दोस्तों, ये वो चर्च है जो 1818 में बन के तैयार हो गया था और ये प्रयागराज का पहला चर्च है। और ये वही जगह है जहाँ जिसे अंग्रेजों लोग आज, जिसे हम लोग सिविल लाइन के नाम से जानते हैं, पहले अंग्रेज से कनिंगटन प्लेस के नाम से डिनोट करते थे, मतलब बुलाते थे। अब कनिंगटन प्लेस का नाम बदल के सिविल लाइंस हो चुका है और इसीलिए यहाँ पर आप जितने भी सिविल लाइंस में आएंगे, ज्यादातर आप जो चीजें देखेंगे वो आपको पूरा अंग्रेजों के जमाने का दिखेगा, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का दिखेगा। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये पड़ता है ज्वाला देवी स्कूल के जस्ट सामने सिविल लाइंस में। और दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के तीसरे जगह जहाँ पे क्रिसमस के लिए बहुत ही धूमधाम से लाइटिंग की जाती है। अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज में कंपनी गार्डन के सामने, जिसे अब कंपनी गार्डन को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद पार्क के जस्ट सामने हॉस्पिटल, इसका नाम है नाजत हॉस्पिटल। और नाजत हॉस्पिटल 8 दिसंबर 1975 में बनके तैयार हो गया था। और यहीं पे प्रयागराज में सबसे धूमधाम से क्रिसमस को लेके यहाँ पे लाइटिंग की जाती है। दोस्तों, आप यहाँ पे कोई कैंडल नहीं जला सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथी जगह हो गई जहाँ पे मेला लगता है पूरे इलाहाबाद में, वो लगता है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के अंदर मेला लगता है। और अगर आपको सलाह दूं तो आप सेंट जोसेफ कॉलेज नहीं, सेंट मैरीज तरफ से अंदर जाइए और अंदर वहीं पे गाड़ी पार्क कर लीजिए और वहां से पीछे से निकल जाइए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। वहां पे आपको कहीं जाम नहीं मिलेगा, आप आराम से गाड़ी पार्क करिए और आराम से मेले के अंदर जाइए धक्का मुक्की से बच के।